इस गंगरेल डैम को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा बांध माना जाता है। यह गंगरेल डैम धमतरी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्घाटन 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कर कमलों द्वारा किया गया था। इस बांध से लगभग 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा इस बांध की जल धारण क्षमता 15,000 क्यूसेक है। यहाँ पर विशेष अतिथियों के ठहरने के लिए गवर्नमेंट गेस्ट हाउस बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जलाशय चारों तरफ प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सालों भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस स्थान से बांध का सुंदर एवं मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। खास तौर पर इस बांध का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी एवं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर रविशंकर जलाशय रखा गया था। ये है गंगरेल डैम का सबसे खूबसूरत एवं आकर्षक स्थान, जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप बहुत से एक्टिविटीज कर सकते हैं एवं गंगरेल डैम का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर गोवा के समान ही इस स्थान को बनाया एवं सजाया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको गोवा जैसा ही सेम टू सेम फीलिंग होगा। यहाँ के मनोरम एवं खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए देश सहित विदेश के भी लोग आते हैं। यहाँ पर आनंद एवं रोमांच सैलानियों को गोवा के समुद्र तट जैसा अनुभव होता है। इस मिनी गोवा में समुद्र के किनारे की रेत पर लगी छतरियाँ, टेबल कुर्सियाँ, लहरों पर झूमते मोटर बोट एवं दूर दूर तक पानी ही पानी, इस नज़ारे का आनंद लेने के लिए छत्तीसगढ़ का गोवा बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट का रोमांच पर्यटकों को इस कदर बांध देता है कि वे जल्द ही दोबारा आने की इच्छा लेकर यहाँ से जाते हैं। गंगरेल डैम के कुछ ही दूरी पर जाकर देखने से यह स्थान चारों ओर गंगरेल का पानी और रेत वाला तट समुद्र जैसा नजर आता है। यहाँ पर ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था है तथा कुछ ही दूरी पर बहुत ही सुंदर व आकर्षक गार्डन भी है। यह डैम छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी पर बना हुआ है।